हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम। आज हम C++ की इंस्टॉलेशन का तरीका सीखेंगे। सो फर्स्ट काम ये करना है कि आपने क्रोम है, जो गूगल का ब्राउजर है, उस पर जाना है, गूगल डॉट कॉम ओपन करना है और इसमें सर्च करना है डेव C++। ये खुद बहुत आ गया सर्च में। इसमें से जो फर्स्ट लिंक है सोर्स फोर्ज का, इस पर क्लिक करके डाउनलोड का, ये आपके पास ग्रीन बटन आ गया डाउनलोड का, इस पर क्लिक करें नेक्स्ट। ये आपको कह रहा है डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, खुद बहुत डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। आपने कहाँ पर स्टोर करना है, कहाँ पर सेव करना है, डाउनलोड के फोल्डर में हम सेव करते हैं, तो ये हमारा इधर नजर आ रहा है डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो 1-2-3 मिनट लेंगे। तो ये हमारा डाउनलोड अब पूरा हो गया है। अब जाते हैं डाउनलोड के फोल्डर में, तो ये हमारे पास आपको टॉप पर नजर आ रहा है C++ का डेव CPP 5.11, इसका वर्जन है। ये डाउनलोड हो गया है, अब इस पर क्लिक करना है। डबल क्लिक करके तो ये डाउनलोड खुद सॉरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत इस पर यस क्लिक करना है, तो ये परसेंटेज जाएगा, अनपैकिंग करेगा और पूरा इसका, ये हमारा वेबसाइट है और ये इस पर ये इंग्लिश का सेलेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज ओके कर दे, जो भी आता है इसको हो गए। लाइसेंस एग्रीमेंट है यस, बाय डिफॉल्ट आपने नेक्स्ट करना है। ये लोकेशन है सी प्रोग्राम फाइल, और इसके बाद डेव डैश CPP फोल्डर में जाएगा। तो हमने उधर ही जो बाय डिफॉल्ट आपको पाथ देगा उसी पर ही इंस्टॉल कर दे। तो ये हमारा C++ इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और ये रन का भी ऑप्शन आ गया, तो फिनिश करते हैं और फिनिश के साथ ये खुल जाएगा। ये आइकन भी हमारे डेस्कटॉप पर आ गया डेव C++ का। अब इधर से जितना भी हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इसी में करेंगे। ये इसके नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट करें इंग्लिश लैंग्वेज नेक्स्ट ओके कर दे। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का जो स्टेप था डेव C++। असल में इंस्टॉलेशन के और भी काफी कंपाइलर हैं, IDEs हैं, बट हम डेव C++ ही यूज करते हैं, ठीक है। सो इसमें से फर्स्ट हमने क्या करना है, ये न्यू ओपन फाइल पर क्लिक करना है। तो हमने सोर्स फाइल एक बनाना है, तो कोई भी ये सोर्स फाइल बन गया, अब इसमें से हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग को।